आज हमारा खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का, सत्ता पक्ष से भी बात होगी, विपक्ष से भी बात होगी। हमारी सरकार की बात है, देश और प्रदेश की हालत क्या है, आम आदमी को बिजली मुफ्त मिलना क्या बुरी बात, 5,000 रुपए भी देंगे, लेकिन जो इनका नेता है वो ढंग का नहीं, वादे जो आपके वहाँ दिल्ली में हुए वो भी पूरे नहीं हुए, जो विधायक का विरोध कर रहे हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं अगर उन्होंने 5 साल काम किया। जब से बीजेपी की सरकार यहाँ पे आई उस टाइम से बहुत अच्छा काम चल रहा है, समस्या को सुनते भी है उसका निदान भी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरीश असवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज हमारा खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का जब बात होती है तो सत्ता पक्ष से भी बात होगी, विपक्ष से भी बात होगी और नई आम आदमी पार्टी, उनके वादे, उनके विश्वास, उस पर भी बात होगी। तो आज हम सीधा ले चलते हैं आपको, पहले तो सत्ता पक्ष के विजय भट्ट जी आपका बहुत बहुत स्वागत, और कांग्रेस से हैं आपके पूरन रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आम आदमी पार्टी से हिमांशु पुंडीर जी, बहुत बहुत स्वागत हिमांशु जी। यूकेडी से बहादुर रावत जी, बहुत बहुत स्वागत सर। तो सर, आज जनता आपसे सीधा सवाल पूछेगी, और सीधा जब सवाल होता है तो कड़वे, अच्छे, सब प्रकार के होंगे। तो हम सभी लोग पहले तो शांतिपूर्वक अपने इनके विचार सुनेंगे, कि सत्ता पक्ष के विचार सुनेंगे, उसके बाद हम विपक्ष के सुनेंगे, फिर आपके सवाल लेंगे, और सब बारी बारी से अपने अपने सवाल लेंगे। पहले तो सत्ता पक्ष के वादों की बात कर लेते हैं जी। भाई साहब, बस सर्वप्रथम तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपने इतना अच्छा मंच दिया, जिस मंच के माध्यम से हम अपनी बात, अपनी पार्टी की बात, जो हमारी सरकार कर रही है उसको आगे रख सके। और मैं देखता हूँ कि जहां तक हमारी सरकार की बात है, जो आज माननीय देश के प्रधानमंत्री को लेके हो या युवा मुख्यमंत्री को लेके बात हो, धामी जी को लेके, अगर हम मोदी जी के विजन को लेके चले, तो जो उनकी आज जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अटल, जो भी अटल आवास योजना हो, आज जितनी भी योजना है, छोटी से छोटी योजना है जिससे आम जनमानस को लाभ मिल रहा है, कोई सी भी छोटी से छोटी योजना देख लीजिए, उससे आम जनमानस को लाभ मिल रहा है। चलिए, इनका कहना है कि इनकी योजनाओं से आम जनता को लाभ बड़ा मिल रहा है, कांग्रेस वाले बताएंगे कितना लाभ मिला कितना। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि चूंकि आप क्षेत्र समस्याओं के लिए विशेष रूप से आप काम कर रहे हैं। छोटे भाई हमारे भट्ट जी ने बहुत अच्छा कहा, अपने हिसाब से बोलेंगे, वो पार्टी के आदमी है। आज लगभग सभी को जानकारी है कि देश और प्रदेश की हालत क्या है। महंगाई जो है आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पर है, प्रदेश स्तर में क्या चल रहा है कि देश और प्रदेश जो है हालात बद से बदतर हो रही है, देश जो है गर्त की ओर जा रहा है। हालात यह है कि कुल मिला के विकास योजनाओं के बारे में बात करें तो मैंने पहला सोचा कि हमारे छोटे भाई भट्ट जी ने जब राष्ट्र स्तर की बात कर दी जी, तो मैं चाहता हूं कि देखो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए जी, जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं जी, तो मैं वहीं से बात छेड़ना चाहता था, लेकिन हमारे भाई ने आगे छेड़ दिया बात जो है। तो मेरा कहना यह है, मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में कह रहा हूं, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की हालत देखिए। आज सरकार से जल भराव और सड़कों के खस्ता हाल ने बेहाल कर दिया लोगों को, आप देख रहे हैं। जी सर, आप कहाँ गायब हो? हम इधर ही हैं, आपके क्षेत्र में ही हैं। तो लगातार नजर रखे हुए हैं धर्मपुर विधानसभा पे। नजर रखने से तो काम नहीं चलेगा। नहीं, हम जहाँ विरोध की जरूरत पड़ती है वहाँ जरूर करते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो धर्मपुर विधानसभा में लगभग जब से राज्य बना है ये दोनों ही धर्मपुर विधानसभा में राज कर रहे हैं। जहाँ तक मेयर जी ये वर्तमान विधायक की बात है, वो भी लगभग जब मेयर थे इससे पहले, बाद में विधायक बने, और लगातार 20 वर्षों से राज कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे 15 साल जो है कांग्रेस, आपकी पार्टी के विधायक जो थे वो भी छोड़ के जा चुके हैं। पहले वो निर्दलीय लड़े, फिर वो दलीय लड़े, फिर अब वो 2012 में बीजेपी में आ गए। तो दल में कहीं ना कहीं कुछ खटपट चल रही है लग रहा है। 2012 में वो चले गए थे, वो आज की बात नहीं है। उसके बाद आपके पास 7 विधायक भी थे, 4 विधायक 2002 में जीते थे। हाँ जी। और अब क्या हो सकता है, हमारी भी उसमें गलती है। हम एक आंदोलनकारी पार्टी रहे, हमारा एक ही वादा था कि राज्य का, और राज्य हमने बना के दिया। हाँ, ये बात राज्य हमने, अगर सभी लोग सहमत हैं इस बात से, यूकेडी का योगदान के लिए सभी लोग सहमत हैं, हमने जो है राज्य बना के दिया। अगर हम भी राजनीतिक दल की तरह काम करते तो 96 में हमने भी चुनाव लड़ना था, और लगभग यहाँ की 5 विधान और लोकसभा सीटें हमने जीतनी थी। चलिए, आपने जीतनी थी और आप जीतेंगे, विश्वास है आपका। आम आदमी पार्टी भाई साहब, वादे सिर्फ अभी सिर्फ वादे हो रहे हैं,
देखिए जो वादे कहे बोले हैं वो पूरे भी किए हैं दिल्ली में। आप दिल्ली में क्षेत्र आज यहाँ उत्तराखंड की बात, देखिए उत्तराखंड में भी बात करेंगे तो बहुत विवाद आगे तक चला जाएगा। दिल्ली पे बात इसलिए होगी क्योंकि दिल्ली मॉडल ही है जो हम यहाँ पे उत्तराखंड में लेके आने की बात कही जा रही है। थोड़ा तेज बोलेगा। और जितना भी आप कह रहे हैं वादे, एक मौका जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी बात को आगे जनता तक पहुंचा भी नहीं पाएंगे। एक मौका उत्तराखंड में केजरीवाल जी को देना चाहिए, जैसे कि बिजली हमने कही है हम मुफ्त देंगे, 300 यूनिट मुफ्त देंगे। देखिए मैं आपको फिर मैं आपकी सभी विधानसभाओं में जा जाके प्रोग्राम कर रहा हूं। जी आप मुफ्त शब्द को पकड़ के रखिएगा। जी इसमें मैं अकेला ही खींच दूंगा आपको, है ना जी, इसलिए पकड़ के रखिएगा मुफ्त शब्द को, फिर बाद में बहुत बोलिएगा कि ये मुफ्त नहीं है। नहीं ये मुफ्त जनता का हक है। अच्छा हाँ। जब बड़े बड़े नेताओं को बिजली मुफ्त मिल सकती है, जब बड़े बड़े अधिकारियों को बिजली मुफ्त मिल सकती है, तो एक आम आदमी को बिजली मुफ्त मिलना क्या बुरी बात है। हाँ जी चलिए, इनका कहना है कि बिजली मुफ्त, और कुछ मुफ्त देने वाले? रोजगार देंगे। रोजगार भी मुफ्त हो गए? अच्छा बिल्कुल ठीक है, रोजगार देंगे, हक देंगे, स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, 5,000 रुपए भी तो देंगे, 5,000 रुपए जी, 5,000 रुपए भी देंगे। चलिए मैं आपके सवाल इसलिए इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि आप अपनी तैयारी कर लें। हाँ जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे छोटे भाई हैं, देखो पार्टी की तरफ से बोलना पड़ता है, जानते भी हैं ऐसी बात, बहुत समझदार हैं। जी जी सवाल इस बात का है कि आप पार्टी का उत्तराखंड राज्य के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति में यार हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति में बड़ा फर्क है। हाँ, उस पे मैं बड़ा फर्क है, उनको तैयारी करने का मौका दिया। दूसरे में आप पार्टी जो कह रही है, मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड की राज्य की जनता कैसे माने कि तुम हमारे हिमायती बन सकते हो। दिल्ली के अंदर 18,90,000 हमारे जो प्रवासी लोग हैं, अगर आप इतनी हिमायती होते तो उनको बाकायदा नगर निगम में विधानसभा में टिकट दी होती, आपकी आपकी मंशा अगर खरी होती। लेकिन इतना है कि जिस प्रकार से आप फेंक रहे हैं काम कर रहे हैं, तो फेंक रहे हैं काम सीख जाते हैं। दिल्ली पास है, बड़े भाई अगर फेंकते हैं छोटा भाई भी कुछ ना कुछ सीखना ही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जी जी हाँ बीजेपी से कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सर्वप्रथम तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पूर्व सहयोगी और मेरे बड़े भाई, सहयोगी तो पूर्व नहीं है, सहयोगी तभी है, तो और बड़े भाई हैं। जी जी पूरन रावत जी ने एक बात कही और साथ में बैठे हुए, क्योंकि मित्रता पुरानी है, राजनीतिक दल अलग चीज है, और बहादुर भाई भी मित्रता हमारी पुरानी है। तो इनका पोस्टमार्टम, दोनों पार्टियों का पोस्टमार्टम तो आपने कर दिया, अब पूरन भाई ने भी कर दिया, दोनों पार्टियों का पोस्टमार्टम कर दिया। अब रही पूरन भाई की बात, मेरे बड़े भाई हैं, तो इन्होंने कहा गड्ढों की बात, मैं ठीक है इनके विषय को आता हूँ कि गड्ढों की बात ये कर रहे हैं, तो इससे पूर्व तो आपके कैबिनेट मंत्री थे 15 साल, गड्ढे तो उसमें अब उन 15 साल के गड्ढों को हमें भरने में टाइम तो लगेगा। बिल्कुल भाई हम उन गड्ढों को भर रहे हैं, थोड़ा सा समय और दे दीजिए, अभी बचा हुआ हमारा समय, उन गड्ढों को भर दीजिए। पहले आपके गड्ढे थे, अब उन गड्ढों को हम भर रहे हैं। पर मैं बता दूं कि गड्ढे इतने भी नहीं है कि आपको 5 साल से ज्यादा लग जाए। ठीक है चलिए चलिए मैं सवाल ले रहा हूँ अभी लोगों का। हाँ आपका सवाल किसी से, किसका सवाल है? हाँ जी किससे आपका सवाल? आम आदमी पार्टी से सवाल है जी। हाँ जी मेरा आम आदमी से सवाल ये है। हाँ जी कि नंबर एक तो ये है, बोल रहे हैं कि हम यहाँ लड़ेंगे। हाँ जी दूसरी बात कर रहे हैं 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। हाँ जी तीसरी बात इन्होंने कहा कि 1,00,000 रोजगार देंगे। शायद रोजगार ये है कि दिल्ली में तो इन्होंने अभी तक ये 7वां साल चल रहा है, 18 लोगों को रोजगार दिया। यहाँ नंबर एक बात, दिल्ली में क्या ये है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो है 90% हिंदू हैं। हाँ जी ठीक है जी। अब ये है कि मदरसों को तो ये 25,000 महीने का सैलरी दे रहे हैं दिल्ली में, यहाँ तो ये है कि खाली ये है कि आए ये अपना सीयूपा छोड़ा और बाद में, मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर इनको लोकल आदमी हम मानते हैं ये करें, लेकिन जो इनका नेता है वो ढंग का नहीं है। अच्छा चलिए, आपका नेता ढंग का नहीं है, वादे वादे जो आपके वहाँ दिल्ली में हुए वो भी पूरे नहीं हुए, नौकरियां आपने नहीं दी। उनका सीधा सवाल आपसे कि आप वादे कर रहे हो और आपके दिल्ली के जो लोग हैं वो वादे कर रहे हैं, देखिए बात का जवाब दीजिए। जब तक हमें एक मौका नहीं दिया जाएगा तब तक हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। 21 साल बने हो चुके हमारे उत्तराखंड को बने हुए, आज भी हमारी स्थिति वही है जो 21 साल पहले थी। माना कि थोड़ी बहुत रोड बन गई है, लेकिन उन रोडों की स्थिति आपने देख ली क्या क्या है? आज भी हमारे उत्तराखंड में ऐसे गांव है जहां आज तक भी बिजली पानी रोड तक नहीं है। मैं आपको गिना दूंगा, साकरी से ऊपर आप जाइए जो हमारे उत्तराखंड की पहली विधानसभा है, उनके सवालों का जवाब। और मैं भाई साहब की बात पे कहना चाहूंगा कि अगर कुछ भी बात नहीं, हमारी बात सिर्फ विकास कार्यों पे होगी। अच्छा, हमारी बात हिंदू मुसलमान राजनीतिक इन मुद्दों पे नहीं होगी। चलिए चलिए, जितने भी आप कह रहे हैं, मदन का कहना है कि इनका कहना है कि हमारी बात विकास पे होगी, मुद्दों पे होगी, हिंदू मुस्लिम पे नहीं होगी। आपका 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 सवाल, एक मिनट, एक ही आदमी का सवाल लूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस साहब आप सुन लीजिए, थोड़ा तेज बोलिए, आगे आ जाइए जी, बताएं
मेरे सवाल है कि कुछ दिन पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष ने जो देवस्थानम बोर्ड के ऊपर एक बात पूछी थी कि देवस्थानम बोर्ड नहीं बनना चाहिए, जो अपने यहाँ उत्तराखंड में बनने जा रहा है, जो हमारी सरकार ने प्रस्तावित कर रखा है, तो ये लोग उसके विरोध में इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, तो ये उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अच्छा, बोर्ड बनने का विरोध कर रहे हैं या बोर्ड बनाने के पक्ष में विरोध कर रहे हैं? बोर्ड बनाने का, अच्छा, बोर्ड बनाने का विरोध कर रहे हैं। आपसे सवाल है इनका। जी सर, गलत है। देखो जी, जी आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो मेरी बात से विरोधाभासी बात तो हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। हमने कभी विरोध नहीं किया, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने विरोध किया है। अब तर्क क्या दे रहे हैं आपने? देखो मेरी बात सुनो, समस्याएं क्या हैं वैसे उत्तराखंड राज्य के अंदर, जो हम चाहते हैं उन जो हमारे पुरोहित हैं उनके हितों को देखते हुए कांग्रेस ने जो काम किए हैं उसको कोई नकार सकता नहीं। और हम विरोध क्यों करें? अगर विरोध करें तथ्य सामने होना चाहिए। मैं मानूंगा, स्वीकार करूंगा। कब से हमारे चीफ ने बोला, प्रदेश अध्यक्ष ने बोला? नहीं नहीं, चलो चलो, माफी मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ। जी जी, मैं समझता हूँ ऐसी बातें हुई नहीं होगी। अब देखो यार, कुछ मीडिया वाले भी ऐसे करते हैं कि कुछ हम बोल रहे हैं, कुछ और कुछ कर दे। चले, इनका कहना है कि ऐसा नहीं है। उनका व्यक्तिगत मानना हो सकता है, पर पार्टी की तरफ से ये सपोर्ट में खड़े हैं। ठीक है, एनीवेज, चलिए आप। हाँ जी भाई साहब, आप बताएं। सर ऐसा है, देवस्थानम बोर्ड और ये बोर्ड और वो बोर्ड अच्छी बात है, लेकिन जनता को असल मुद्दों से भटकाना यही काम भारतीय जनता पार्टी का है। अभी हम धर्मपुर विधानसभा में अगर आप डिबेट कर रहे हो तो यहाँ की बात करते हैं। जी बिल्कुल, पिछले 5 साल में एक भी पैसा इन्होंने लगाया हो जो रोड पे, या फिर आप देख सकते हैं स्थिति, 532 करोड़ रुपए इन्होंने बैनर लगा दिए कि 532 करोड़ रुपए धर्मपुर विधानसभा के लिए आवंटित किए गए हैं। 5 साल में कहां सोए थे आप? दूसरी बात, धर्मपुर विधानसभा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग, मंडल महामंत्री हो चाहे वो चाहे कवि हो, जो विधायक का विरोध कर रहे हैं, वो विरोध क्यों कर रहे हैं अगर उन्होंने 5 साल काम किया? तो बिल्कुल, वो विरोध क्यों कर रहे हैं अगर उन्होंने 5 साल काम किया हो? आप पे मैं आ रहा हूँ, एक सवाल और लेता हुआ आ रहा हूँ। हाँ जी ताऊ जी, अब बैठो, बैठ के जवाब, बैठ के करें। अरे यार जी, बोलो बोलो बोलो। अरे हम रहे टीचर्स, अध्यापक। अरे अध्यापक तो आप तो, हाँ, तो हमें खड़े 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 होने की आदत है। अच्छा, इसलिए हम चलिए परम श्रद्धे है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर डिबेट करने के लिए आए हैं और कर रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से स्वागत। जी जी जी। साथियों भाइयों, हमारे सरकार ने जो वर्तमान सरकार है, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1914 में कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 2 लाख बेरोजगारों को 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए प्रत्येक, दो करोड़ और 15 लाख रुपए प्रत्येक के खाते में। वो तो सब ढूंढ रहे हैं, देखिए। और इसके बाद इसके बाद 8-9 साल हो गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने जनता के लिए क्या किया है ये सारी जनता अवगत है, जानती है कि उन्होंने क्या किया है उसके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो वर्तमान सरकार है वह अभी भी ध्यान दे और उनके जनता के ऊपर ध्यान दे। जी जी जो जी सड़कें जी हैं, गुरुजी आप बैठिए 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 बैठिए, मैं आपका बिल्कुल। हाँ जी, आपसे सवाल था इनका कि कहाँ गए इनके 15 लाख रुपए, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार और कहाँ गए वो वादे, ये आपको जवाब देना है। देखो आपने जहाँ तक स्टेट की बात कही कि आपने स्टेट के मुद्दे हावी हैं, और स्टेट के मुद्दे जब आप लोकल पब्लिक की बात हो तो स्टेट के मुद्दों की बात होनी चाहिए। और ठीक है, प्रधानमंत्री तो सब जगह के हैं। हाँ ठीक है, वो अच्छी बात है, प्रधानमंत्री सबके हैं। तो आपने कहा था स्टेट की बात कर, मैं स्टेट पे ही कहना चाहता हूँ, अपनी विधानसभा को ही लेना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि 15 साल कैबिनेट मंत्री रहे, उनका कार्यकाल सबने देखा होगा, तभी उनको धराशाई कर दिया और अच्छा धराशाई किया। तो अब मेरे पूरन भाई भी प्रत्याशी की दौड़ पे हैं और भविष्य में विधायक की दौड़ में हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आज अगर धर्मपुर विधानसभा में एक छोर से चले जाइए, मैं आपको मोटा मोटा गिना देता हूँ, आरओबी का निर्माण हो रहा है, आपको क्यों कनेक्टिविटी की, अगर कनेक्टिविटी की सुविधाएं मिलती है, आपको रेसकोर्स से लेकर और पथरीबाग चौक की कनेक्टिविटी सुविधा मिलती है और उससे आपका समय बचता है, तो वो किसको बेनिफिट मिलेगा? इतनी बड़ी योजना। और मैं दूसरी योजना की बात करता हूँ, 415 करोड़ की योजना जो
जो अभी माननीय विधायक जी द्वारा, जिसका अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा अक्टूबर के माह में। तो मैं ये कहता हूँ 415 करोड़ पूरा पूरा कब होगा वो? पूरा पूरा देखो, किसी भी योजना को लास्ट में क्यों होती है? लास्ट में इसलिए होती है, मैंने कहा कि किसी चीज को धरातल में आने में समय लगता है। अब किसी आदमी को पता नहीं कि यहाँ पानी का कहाँ निकासी होगी, कहाँ होगा ड्रेनेज, कहाँ निकलेगा सारी चीज। मेरी बात सुन लीजिए, जब आप सुनने आए तो पूरी बात सुनिए, पूरे सुनिए, फिर आप बात कीजिए। जब आप बात कर रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मेरी बात कीजिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मेरी बात से आप संतुष्ट नहीं होंगे तब आप इनका जवाब इनका। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, पहले हम युवाओं को एक चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को बैलेंस बना के बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आंसर, ठीक है? तो उसी तरह से चलें। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जैसे युवाओं हैं, इन्होंने हमसे बोला था कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हमें हर चीज मिलेगा, तो हमारे जैसे युवा आज तक घर में क्यों बैठे हैं? हमारे जैसे युवाओं को आज तक नौकरी क्यों नहीं मिली? ठीक है जी, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला, इन्होंने आवेदन किया, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब आपको जवाब देना है, क्योंकि सत्ता पक्ष में जवाब बनते हैं। नहीं, बनता है, स्वाभाविक बनना भी चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम है बोलना, और हमें उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है और हमें उसका देना। मैं कह रहा हूँ, आज जितनी भी देश में और प्रदेश में जो योजनाएं चल रही है, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ, स्किल इंडिया से लेकर हो या कोई स्वरोजगार से, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने कुछ दिन पूर्व स्टेटमेंट देखा होगा और जो उन्होंने कहा, क्योंकि देखो मैंने शुरू से कहा, किसी बात को मैं शुरू से कह रहा हूँ, किसी चीज को धरातल में लाने में क्योंकि समय लगता है, इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है। अब जहां तक युवाओं की बात है, आपने सही कहा, युवा ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे लिए भाई, देश की पॉपुलेशन तो निरंतर बढ़ती जा रही है और जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, और युवाओं की सोच के हिसाब से काम होना भी चाहिए, क्योंकि युवा प्रदेश भी है और युवा हमारा युवा देश कहलाया जाता है। जो आज जो स्वरोजगार की योजना है पहाड़ों में, चाहे आप पहाड़ों में जो भी योजना देख लिए, जितनी भी योजनाएं चल रही है स्वराज को लेकर चल रही है, और मैं बहुत देखता हूं, अभी मैंने अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से देखा, हमारे कई नौजवान भाई, अब जिसको नहीं करना हो तो नहीं करेगा, जिसको स्वरोजगार करना है तो सरकारी नौकरी तो हम सबको नहीं दे सकते, और एक उसका एक मीडियम माध्यम होता है कि इतनी ही लिमिटेशन होता है। तो आपकी बातों को तोड़ते मोड़ते नहीं, हम सीधा सीधा रखते हैं। यूकेडी, आप कितनी इनकी बातों से सहमत हैं? देखिए, हमारे मित्र बंधु ने अभी बोला है कि हमारे जो विधायक हैं वो नए हैं, उनको ड्रेनेज का नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। अभी मैंने पूर्व में भी बोला था, ये यहाँ जो है मेयर रह चुके हैं और ये नगर निगम के चेयरमैन तक रह चुके हैं, नगर पालिका के चेयरमैन तक, तो उनको तो इस शहर की एक एक नाली, एक एक उसके सब कुछ मालूम है, उनको सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद भी आज की तारीख में जो पूरे शहर में, हम ब्रह्मपुरी पर चले जाएं, वहाँ रोड पूरी खुदी हुई है, लोग सड़क में गिर रहे हैं, नाली में गिर रहे हैं। एक मिनट, इनका कहना है रोडे खुदी हैं, जो बोलते हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, सिर्फ बातें हैं, कागजों में है, इस तरह की। महिलाओं से सवाल लेते हैं, महिलाएं। हाँ जी, आप बताएं। जिस दिन से बीजेपी यहाँ पे आई, बीजेपी की सरकार आई, जब से बीजेपी की सरकार यहाँ पे आई, वो उस टाइम से बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, हमारे विधानसभा धर्मपुर से बहुत अच्छा काम चल रहा है। चलिए, महिलाओं का साथ मिल गया तो बीजेपी को मतलब सपोर्ट है, महिलाओं का साथ मिल रखा है। हाँ जी, आओ आओ बेटा, आगे आओ जी। पहले तो मैं एक्चुअली यूकेडी से सवाल है जी, एक मिनट थोड़ा साइड हो जाइए सर, मैं ये सब हम काम कर रहे हैं, आपको लिंक देंगे, इसका पूरा प्रॉपर लिंक देंगे। पहले तो मैं कहना चाहूंगा यूकेडी से कि एक्चुअली पिछले 4.5 सालों में भी आप शांति थे, आज भी शांत है और हमेशा शांति रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करने का कोई मौका नहीं मिल रहा जनता को, तो मैं चाहूंगा कि आप आ गए हैं तो जनता से भी बात करने का मौका मिले। साथ ही मेरे 2 क्वेश्चन बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी से अगर पार्टी से अगर मैं क्वेश्चन करना शुरू करूं, तो सर आपने अभी आपके केजरीवाल जी ने बोला है कि हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और जिनको नहीं मिलेगा उसको 5,000 रुपए देंगे। अगर आप दिल्ली की बात करें, एक आईटीआई दाखिल की थी जिसको 27 फरवरी 2021 को रिपोर्ट निकली थी कि दिल्ली में पिछले 6 सालों में जो आपकी पार्टी रही है, जो आपकी पार्टी रही है, उसमें दिल्ली एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में 14 लाख युवाओं ने भरे थे फॉर्म, जिसमें से खाली 400 लोगों युवाओं को नौकरी मिली है। तो अगर दिल्ली में 6 साल रहने के बाद आपने सिर्फ 400 नौकरियां दी हैं, तो उत्तराखंड में 6 महीने में 1 लाख नौकरियां कैसे? चलिए, आप बहुत बढ़िया सवाल है इनका, आपको बहुत बढ़िया सवाल है। आपको लगता है कि 6 साल के अंदर सिर्फ 400 नौकरियां दी गई होंगी?
आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, इतना बड़ा दिल्ली शहर है, पूरा मतलब आप राजधानी हमारे देश की, आपको लगता है कि 6 साल के अंदर 400 नौकरियां दी गई होंगी? ये लॉजिकल सवाल है। चलिए चलिए, इनका कहना है कि आपके पास आंकड़े गलत हैं, आप पहले आंकड़े चेक कर लीजिए, आप भी कर लीजिए और आप भी कर लीजिए, थोड़ी देर गूगल कर लीजिए, दो मिनट गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। कांग्रेस से आप, हाँ जी। मेरा अभी छोटे भाई ने जो बात की उस चैप्टर में भी बात करनी चाहिए। जी जी, देखो ऐसा है कि भट्ट जी जो कह रहे हैं उनकी बात को मुझे मानना पड़ेगा। कैसी बात मानिए, छोटा भाई मेरा है, अपनी जगह उनका सही कहना था। ऐसा ना आप दोनों की भाईबंदी में, मैं कह रहा हूं, देखो सुनो, ऐसा नहीं है, देखो अच्छा कहा उन्होंने। सवाल ये है कि 15 साल में हम लोगों ने क्या किया, कांग्रेस सरकार ने, अगर आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी माँ बहने बैठी हुई है, कि ऐसा कोई एरिया नहीं छोड़ा जिस क्षेत्र में, अरे सड़कों के जाल बिछाए, जाल सड़कें ऐसी बनी आप विश्वास नहीं करोगे, हैंडपंप लगाए गए हैं, जहां पानी नहीं वहां काम हुआ है, जहां ट्यूबवेल नहीं थे वहां अधिक ट्यूबवेल बनाए गए हैं, जहां स्कूल खंडित थे वहां पता जीर्णोद्धार खड़का किया है। एक मिनट, एक मिनट, जी जी, अच्छा अच्छा, एक बार मैं आपको बता दूं, एक मिनट, पहले बात पूरी। अच्छा अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक मिनट में मेरी बात सुन लीजिए, यह डिबेट कर रहे हैं ना, तो ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों का फायदा है। आप एक मिनट, हम लोग ये सब करेंगे, बाद में करेंगे, पहले हम आप सबके सवाल ले लें, क्योंकि ना देखिए मेरा ये मानना है, हम लोग जगह जगह जाते हैं, मोहल्ले जाते हैं, लोगों के सवाल रह जाते हैं, नेता बन जाते हैं, आप फिर बाहर खड़े हुए मिलोगे, आपके मुद्दे वहीं रह जाएंगे, अपने आज मौका है उसको छोड़िएगा नहीं, ये सब जय जयकार बाद में होती रहेगी। एक मिनट पहले सुन, जब वो आ रखे हैं तो उनकी पूरी बात है ना, पूरी जाए की बात रखी जा रही है, अपनी बात कहेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात का जवाब देंगे, हमारा जो कहना है ठीक है, आपने, आप जनता है, आपका कहने का, चलिए जनता से सवाल लेते हैं, जी आराम से, सभी लोग अपने अपने सवाल। मेरा एक सवाल कांग्रेस से है, जी कांग्रेस, हाँ कांग्रेस सवाल, उन्होंने अभी अभी कहा है कि 15 साल में उन्होंने धर्मपुर विधानसभा के अंदर सड़कों का पूरा जाल बिछाया है, ठीक है ना, लेकिन अगर कोई उनसे ये पूछे कि सड़कों का जाल बिछाने के पीछे उसका जो लाभ मिला है वो किसको मिला है, मैं आपको बताता हूँ। मैं धर्मपुर विधानसभा का ही हूँ और मथुरा वाले का ग्रामवासी हूँ। मेरे यहाँ पर विधायक अपने दिनेश अग्रवाल जी के द्वारा 2 पुल स्वीकृत हुए थे नदी के इस पार, ठीक है जी, जो दूसरी तरफ जिधर के जिस जोड़ा गया इंद्रपुरी फार्म दुधा देवी को, वहां पर पूरी नदी के किनारे लोगों की कच्ची पक्की जमीनें हुआ करती थी, कुछ लोगों की रजिस्ट्री के पट्टे भी थे अपने, बिल्कुल। इन्होंने क्या किया, जब योजना वहां पे लगाई, आप सवाल सुनिए, सवाल बता रहा हूँ, उसका लाभ किसको मिला, इन्होंने क्या किया वो बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इनका सुनिए, लाभ उनको पर्सनल हुआ, पर्सनली इनके विधायकों को, वहाँ विधायकों को साथ काम करने वाले लोगों को, उनका पर्सनल भी हुआ होगा, ये भी उनके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, उनके साथ जुड़े हुआ था। इन्होंने पूरा करप्शन कराया सड़कों का जाल बिछाने में, उससे पहले वहां की जमीनें खरीद ली, वहां सड़कों का जाल बिछाने से पहले औने पौने दामों में, और उसकी प्लॉटिंग करके इन लोगों ने बेचा है, और वहां के क्षेत्र के लोगों को टोटली नुकसान दिया है, तो आज लोग गालियां देते हैं। किस किस की जमीन है उधर, किस किस की जमीन है? मेरी खुद की भी थी भाई साहब। अच्छा, आपकी भी, आपको फायदा हुआ होगा? फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, उससे पहले 1 लाख रुपए बीघा खरीद ली, उससे पहले 1 लाख रुपए बीघा खरीद ली, और 20 लाख रुपए बीघा वो जमीन इन्होंने पुल निकालने के बाद बेची है। अगर हमें पहले बताया, किस किस की जमीन है, नाम लो ना आप भाई साहब। आप पूरे नेपाली लोग हमारे मथुरा वाला आइए ना, कि आपका कुछ, दिनेश अग्रवाल जी ने बड़ा फार्म हाउस बना है, उसको देखिए आप, दिनेश अग्रवाल जी का फार्म हाउस बना, और विनोद चमोली जी का भी कुछ बना है आपके क्षेत्र में? अरे गरीब रह गए। हाँ जी, वो पहले बहुत अच्छी बात, मेरे भाई पहले सुन लो यार, आपने बात की, चैप्टर का जवाब मिलना चाहिए। जिस प्रकार से आपने बात रखी है, आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपने कुछ ना कुछ बोलना ही है। हाँ जी, हमारा मतलब ये है कि आप जानते हैं कि ऋषि बिहार में नाले के साथ में जो ड्रामा हुआ है, आप समस्याओं पर बात नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक बातें कर रहे हैं, जो कहीं वही नहीं हुआ उसके बारे में जानते हैं। अब किसी ने क्या किया उसके बारे में नहीं जानता। हमारी सरकार ने 15 साल के अंतरकाल में हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में, धर्मपुर विधानसभा ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ पर विकास से कोई अछूता रहा हो। चलिए चलिए, इनका कहना है कि इनका कहना है, मैं सभी फटाफट सबके सवाल भी लूंगा, इनका कहना है कि विकास हुआ है, और किसी ने अगर पर्सनल कुछ किया तो उनको नहीं पता, अगर कुछ हुआ है आपकी शिकायत पर्सनल हो सकती है, मतलब इनके ये पार्टी के
इनका कहना है, मेरा कहना नहीं इनका कहना है, ठीक है। तो हाँ जी भैया बोलिए जी। भैया कह रहे हैं कि सड़कें बनाई है हमने, आप ये बताइए किससे सवाल है आपका? बीजेपी से है सवाल, बीजेपी से सवाल है जी। आप बीजेपी से मेरा ये पूछना है जी कि विनोद चमोली हमारे क्षेत्र के 5 साल है, 10 साल मेयर रहे, आप जो जब विधायक बने थे उसके बाद ये हुआ था कि मीडिया पे भी खबर आई थी कि विनोद चमोली में इतना घमंड इतना तकबर आ चुका है। वो छोड़िए, हाँ, बोलिए। हाँ, नहीं एक मुद्दा था, वो भी काफी चला है मीडिया। घमंड मुद्दा नहीं हो सकता, घमंड पर्सनल हो, वो नहीं पर्सनली था उनका। नहीं भाई मीडिया वालों ने दिखाया है, आप ठाक देख लो भाई, मैं भी मिला हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, मैं नहीं मिला, मैं भी मिला हूँ, मीडिया ने दिखाया। चलिए चलिए ये इनका इनके जो मुद्दे हैं आज बात धर्मपुर के, आज विधानसभा धर्मपुर विधानसभा की बात हो रही है तो धर्मपुर विधानसभा से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाए। आम आदमी पार्टी से क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने कहा रोजगार, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार आप दिल्ली में नहीं दे पा रहे सर, बात अस्पताल अस्पताल आपके बनाए हुए अस्पताल की संख्या बहुत कम है, एक मिनट कांग्रेस के बनाए हुए अस्पतालों को आपने सुंदरीकरण करा और उनको अपना बताया, एक मिनट मैं आपके पहले मेरे जवाब ले लीजिए। स्कूल की संख्या अगर आप बोलेंगे वो भी आपने कम बनाए, जिनको एक मिनट मैं आपके सराहना भी करूंगा इस चीज में, आपने स्कूल कम बनाए, दिशा दिखाई है आम आदमी पार्टी ने, एक दिशा दिखाई है, अच्छे स्कूल अच्छे अस्पताल अच्छी सड़कें रोजगार मेट्रो ट्रेन महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री किया गया है। मैं आपसे की बात करी जाए, एक आम आदमी पार्टी आज स्कूल का स्वास्थ्य का नौकरी का बेरोजगारी का सड़क का सबके वादे करने दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपसे जी आपके नेता दिल्ली से जब आते हैं तो उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है बेचारों के पास, सभी के पास हेलीकॉप्टर उनके पास नहीं है जी। वो आते हैं जॉली ग्राउंड पे उतरते हैं, वहां से 20 मिनट में वो देहरादून पहुंच जाते हैं जी। और घोषणाएं कर डालते हैं जी। कभी उनसे बोलिएगा उनसे बोलिएगा घोषणा करनी है तो पहाड़ के उस छोर पे जाके घोषणा करें, जहां जाने में कम से कम 10 से 15 घंटे लगते हैं। और हमारा कार्यकर्ता एक मिनट मेरा सवाल पूरा ले, उनसे घोषणाएं घोषणाओं के बल पे ये उत्तराखंड नहीं, ये उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जिसमें 12 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, तो सोच लीजिए अपेक्षाएं कितनी हाई हैं। देखिए तो आपको उन अपेक्षाओं, और ये देख आपको मौका देंगे। दूसरा आप दोनों से सवाल, आप दोनों एक दूसरे पे मुख्यमंत्री बदलने का आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि दोनों ने एक ही काम किया है ना, दोनों ने एक ही काम किया है, इसीलिए आप इस स्टेट के बारे में इस अपने धर्मपुर विधानसभा के बारे में बात कीजिए। सर अच्छी बात आपने कही है, देखो जब हम धर्मपुर विधानसभा में आए हैं, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात जी। आप जानते हैं कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जी मैंने आपसे, आपने कहा छोटे भाई ने मेरे को कि 15 साल में हमने क्या किया, वो चैप्टर पूरा नहीं हो पाया। हमने 15 साल में बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा सारी व्यवस्थाएं पूरी दी लोगों को। हाँ जी। हमने वो भी दिया है कि हाँ जो आज सिलेंडर उस टाइम 400 का अच्छा, था। अच्छा एक मिनट, आपने बिजली पानी हमने नहीं किया, आम आदमी ने घोषणा करी कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। हाँ। तो थोड़े दिनों बाद आप लोगों ने भी घोषणा कर दी कि हम 350 देंगे। क्या क्या ये 350 क्या है, किसकी जेब का पैसा है? कांग्रेस की जेब का पैसा है। 100 यूनिट की पहले बात हुई थी, इस प्रकार से देखो 300 बोल दिया आपने, 350 बोल दिया। नहीं नहीं एक सुनो, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा जो कहने का तात्पर्य था कि मतलब कुल मिलाकर के हमारे राज्य में है क्या, राज्य के अंदर अर्निंग क्या, आय के स्रोत क्या है। हम अगर 500 बोले या 1000 बोल जाए ये बोला मुश्किल है। जो हमारे नेता ने बोला है सब समझ सोच समझ के बोला है, ऐसी बात नहीं, गलत नहीं बोला है। दूसरे में ये कि आप पार्टी का कहना उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार से लोगों को छलावा और चलने का काम जो कर रहे हैं लोग समझ रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने जिस प्रकार से लोगों का चलने का काम किया है, जुमलेबाजी से लोगों को गुमराह किया है, अब थोड़ी बहुत असर तो खैर आप पार्टी पे पड़ना है। दिल्ली पास है और दिल्ली में हमारे बड़े भाई पास में है, तो इस प्रकार से जो है कि आप पार्टी का उत्तराखंड राज्य के अंदर बहुत कम काम कहीं पता कर ले। मैं मानता हूँ कि भाई का जो कहना, अच्छा किसके समर्थन में उतर रहे हैं आप इस टाइम, बीजेपी अपने छोटे भाई समर्थन में? कल के दिन ऐसा ना हो जाए, आज आप इनको खींच रहे हो, कल सीट कम पड़ जाए तो इनसे ले ले। एक चीज आपसे कहता हूँ, देखो छोटा भाई मेरे भी है, मेरा कहना देखो मेरी बात सुनो, आज ये ध्यान देना चाहिए धर्मपुर विधानसभा कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है, कहाँ समापन है। हाँ जी। हमारे यहाँ अगर भूतला चौक से लेके और इसी बिहार में उन नाले में क्या हालात हुई, बंजारा वाला में नाले में एक गाड़ी बह गई है, एक आदमी की मौत हो गई है। आप समझ रहे हैं कि खड्डों में कितने लोग चोटिल हुए हैं। आप देखो कि वहाँ पीड़ित बिहार के अंदर एक जूनियर प्राथमिक विद्यालय
आज सालों साल से जो है 5-5.5 साल की बात करते हैं जीर्ण शीर्ण हालत में है। ऐसे कई विद्यालय यहाँ पर जो है धर्मपुर नहीं कहीं हमारे उत्तराखंड में है, लिखा जी कुछ का काम नहीं हो रहा है। दूसरे में आपसे कह दूं, देखो फेंकना का काम अलग है लेकिन वास्तविक धरातल पर जीरो है। कौन फेंक रहा है? धरातल पे जीरो है। आप कह रहे हैं ये फेंक रहे हैं, चलिए भाजपा साढ़े चार साल भाजपा ने यहाँ पर रह करके आज सुनो, अरे मैं कह रहा हूँ एक कोरोना काल में सुनो, कोरोना काल के अंदर कितने लोग घायल हुए, कितने लोगों की मौतें हुई हैं और दूसरे लोगों को दवाइयां उपलब्ध नहीं पाई, लोगों को बेड उपलब्ध नहीं पाया, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं पाया, लोगों की मौतें हुई है। साढ़े चार साल में कितनी बार लोगों के पास गए? चलिए लोगों की मौतें हुई है सारी चीजों, यूकेडी आप पे इतना बढ़िया मौका, इतना बढ़िया मौका आप पे, जब ये सब लड़ रहे हैं ना, आप पे कोई ना आरोप है ना कुछ है, फिर भी आप शांत है, आज भी शांत रहोगे। जहां तक बिजली की बात है, फ्री बात चर्चा चल रही है, उत्तराखंड तो दिल्ली और यूपी को बिजली दे रहा है, अगर ये हमारा हक हमें वापस कर दे दिल्ली वाले तो हम पूरे उत्तराखंड में पूरी शांति ले। इसी पे मैं ले रहा हूँ इन्होंने बहुत अच्छी, यूकेडी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम बिजली का उत्पादन करते हैं और हमारी ही स्टेट बिजली बाहर बेच रही है और अगर हम वो वापस ले रहे तो हमारे को फ्री की जरूरत है। पहले तो ये बताइए कि आप लोगों को क्या फ्री चाहिए? रोजगार चाहिए, बिजली चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, फ्री कुछ भी फ्री नहीं चाहिए। देखिए एक एक, अरे अच्छा नारेबाजी नहीं करेंगे अभी, हैं जी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों सुन लीजिए आपके विधानसभा में किसी को कुछ फ्री नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं जो भाजपा माइंडेड लोग हैं जिन्हें बात शुरू होने से पहले हिंदू मुसलमान की आदत हो चुकी है। समझ अच्छा एक बात बताएं, आपके विधानसभा में सीधे सीधे से आवाज है, जो आप लोगों ने वादे किए हैं, आपने वादे किए बिजली फ्री देंगे है ना, शिक्षा देंगे, ये देंगे, इनको सबसे पहला फ्री वर्ड से नफरत है, पूरे उत्तराखंड को फ्री वर्ड से नफरत है। ये इनका हक है, मैं हम फ्री इसलिए कह रहे हैं, ये इनका हक है। हम एक ऊर्जा प्रदेश है, हम वो प्रदेश है जो प्रदेश दूसरे राज्यों को बिजली बना के दे रहे हैं। एक मिनट वो प्रदेश है जिसके अंदर इतनी ऊर्जा है, जो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो आप एग्रीमेंट जो होगा वो कैंसिल कर दोगे? कैंसिल वो एग्रीमेंट भी पूरा करेंगे, इसमें और डैम बन रहे हैं, 53 डैम अभी लगातार और बनने जा रहे हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर। स्विमिंग पूल नहीं बनाए, वो विकास कार्य हो रहे हैं। मेरे दोस्त एक बात, आपने एक मिनट सुना, छोटे भाई ने कहा धर्मपुरी कारी चौक पे डंपिंग जोन के खिलाफ पूरन सिंह रावत लगातार बोल रहा है, मेरे पुतला दहन भी कल उसने कर्म किया है। दूसरे मेरी बात सुनो, अच्छा डंपिंग जोन के बारे अच्छा, में अच्छा, लगातार बागदा संबंधी विभाग के अधिकारी महापौर और विधायक जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में मैंने डालू बात डाली है और लगातार शिकायत बैठा भी बाकी धरने। अच्छा यूकेडी कुछ कहना चाह रही है उत्तराखंड का भला केवल उत्तराखंड क्रांति दल ही कर सकता है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल की जवाबदेही उत्तराखंड के प्रति ही होगी। बाकी जो हमारे मित्र लोग हैं राष्ट्रीय दल के हैं, इनकी जवाबदेही केवल दिल्ली के प्रति है, इसीलिए यहाँ के बार बार मुख्यमंत्री बदले जाते हैं। अगर ये दिल्ली को खुश करने में कामयाब हो गए तो 5 साल तो मुख्यमंत्री चलेंगे, अगर खुश करने में नाकाम रहे तो कभी भी। चलिए इनका कहना है ये बड़ी पार्टी है भैया, सुनिए हाँ जी आपका, हाँ जी बताए, कृपया सभी शांत रहे। हाँ जी स्थायी मुद्दा है इनका बिल्कुल, हाँ जी 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 हाँ, किससे आपका सवाल? मैं हाँ जी यहाँ पे टेरी डैम से प्रभावित परिवार हूँ। हाँ हाँ जी हाँ जी और मुझे यहाँ पे 21 साल हो चुके हैं इस स्टेट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ मैं आज की सरकार या कांग्रेस सरकार जो भी रही है, यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ उत्तराखंड के नेताओं को जितने नीचे यहाँ खड़े हो रखे हैं, ये समझ जाए इस बात को कि आज की तारीख में उत्तराखंड की स्वास्थ्य की जो समस्या है सबसे खत्म है पूरे इंडिया में। स्वास्थ्य स्वास्थ्य की समस्या है इनका, बहुत अच्छा दोनों देखो ये दोनों पार्टियां आज तक इन्होंने नहीं किया। आप दोनों से सवाल, आप दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हो,
स्वास्थ्य के ऊपर काम नहीं किया। स्वास्थ्य अगर आपने देहरादून में किया है तो देहरादून से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पहाड़ों पे डंडी कंडी के द्वारा ही आज भी अस्पतालों में पहुंचा जाता है। ये आपकी बहुत बड़ी मतलब हार है दोनों पार्टियों की। मैं बड़े भाई का अदब करता हूँ, बहुत अच्छी बात उठाई उन्होंने। हाँ जी, हमने हमारी कांग्रेस सरकार ने देखा कि पहाड़ों में जिस प्रकार से जो पहले मामला था जहां पर कि हॉस्पिटल में डॉक्टर जाने को तैयार नहीं थे, वहां हॉस्पिटल खराब थे। बाकायदा हमने अपने कार्यकाल के अंदर 15 सालों के अंदर वहां का जहां पर ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहां पर स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमने जो लोगों को लाभान्वित नहीं किया होगा। रही बात के 4.5 साल के अंतरकाल में अब ये भाजपा बताया कि जहां घास जम रखी है और वहां दीवारें फटी पड़ी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। चलिए आपके छोटे भाई बताएंगे, आपके छोटे भाई बताएंगे, वैसे आपने पर्सनली पूछ लेते इनसे तो जवाब। हाँ जी बताएं जी छोटे भाई साहब, आप मेरी बात। हाँ जी हाँ जी छोटे भाई बताएं। सत्ता पक्ष है, हमारा दायित्व है सुनना और हमारा दायित्व बनता भी है सुनना और उसका जवाब देना। जवाब देना बिल्कुल बनता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने तो एक दूसरे का पोस्टमार्टम अपना आप ही कर दिया। मतलब हमें पोस्टमार्टम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कांग्रेस ने यूकेडी का कर दिया, आम आदमी पार्टी का कर दिया। यूकेडी का किसी ने नहीं कर पाया अभी तक। ठीक है, नहीं कर पाया। ठीक है, यूकेडी ने आम आदमी पार्टी का कर दिया। अब मैं जहाँ तक मुद्दों की बात है, पहला विषय अंकल जी का उठाया तो मैं अंकल जी के विषय पे आता हूँ। मैं भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, आज अगर उस अगर आप उस क्षेत्र में महिलाएं मेरी दीदी लोग उस क्षेत्र में जा रही है, उस घर उस स्वास्थ्य केंद्र में जाके देखे जो टाइल्स का निर्माण माननीय विधायक ने किया, उसका बोर्ड लगाया, वहाँ जाना दूभर था, उसमें पानी भरा रहता था। मैं जिसमें एक विधायक का जहाँ तक इन्होंने नाले की बात की, किसी विहार नाले की, सरकार आपकी तो 15 साल आपने राज किया। मैं कह रहा हूँ माननीय विधायक ने 15 दिन में उस समस्या का समाधान किया, 15 साल की समस्या। मैं और बात यूकेडी की बात करना चाहता हूँ माननीय विधायक ने, क्योंकि ऐसा ना पर्सन आएगा और उनका पर्सनल लाजमी है, ग्रामीण क्षेत्र उनका क्षेत्र नहीं था, वो देहरादून के मेयर थे, ये ग्रामीण क्षेत्र था, इसमें 12 गांव जो ग्रामीण क्षेत्र के थे। आज जो ग्रामीण क्षेत्र को लाभ मिल रहा है, चाहे सीवरेज से लेकर और उनकी क्रियान्वयन योजना, ऐसे विधायक को मैं सतत प्रणाम। चलिए, इन्हें विधायक द्वारा काम किया गया और मुझे लगता है यहाँ बीजेपी के समर्थक ज्यादा हैं, है ना? तो मैं इधर से ले लेता हूँ। आपने अपने विधायक को कितनी बार क्षेत्र में देखा है, कितनी बार? बस दूर दूर से बोलिएगा। हाँ जी, कितने कितने लोगों ने? भाई साहब कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो क्षेत्र में नजर नहीं आया। अच्छा, भाई जी कह रहे दो में भी समस्या को सुनते भी है, उसका निदान भी करते हैं। चलिए, मतलब बीजेपी के विधायक, एक मिनट, बीजेपी के विधायक बराबर क्षेत्र में आते हैं। हाँ जी हाँ जी, आप बताएं बीजेपी के। हमारे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दोनों भाइयों ने एक सवाल किया था कूड़ा घर के लिए, जो बाईपास पे कूड़ा जोन बना हुआ है उसके लिए। अब ये सवाल दब गया था, क्योंकि इसका ना तो किसी ने जवाब दिया, तो सवाल दब गया था। मैं इसका जवाब थोड़ा सा देना चाहूंगा। ऐसा है, कूड़ा जोन, ये कूड़ा बाहर का तो है नहीं, हमारे शहर का, रमी लोगों का है। ठीक, इस कूड़ा जोन को पहले मथुरावाला में नदी किनारे बनाया गया था, वहां डालने का, वहां से स्मेल आने लग गई थी, गांव वालों ने विरोध कर दिया। विरोध होने के बाद ये रायपुर चला, उधर चला गया, सैदर रोड पे आगे जो है वहां भी लोगों ने विरोध कर दिया। अब ये यहाँ आ गया, ठीक है ना? तो शहर का कूड़ा है, कहीं ना कहीं एक जगह तो एकत्रित करना ही पड़ेगा। बात कूड़े की है तो इनको ये पता होना चाहिए कि किनको भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी, आप सवाल सीधा वहां करिए कि हाईवे जो होता है, हाईवे के 150 मीटर के दायरे में ये डंपिंग जोन नहीं बन सकता। आपने रोड पे पहुंचा दिया, मेन हाईवे। अच्छा 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 अच्छा, पीछे मस्जिद, अगल बगल बस्तियां, ये तो बीमारियां उससे उत्पन्न होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज और, मैं एक चीज और बोलूं, डंपिंग जोन पे सबका ध्यान गया, डंपिंग। एक मिनट भाई, थोड़ा सुनी कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, डंपिंग जोन पे सबका ध्यान गया, ठीक है, दारू के ठेकों पे किसी का ध्यान नहीं गया? क्यों नहीं गया आपका ध्यान? क्या आपके आपके युवा उस पे, आज आप बाईपास पे जाएंगे, बिल्कुल बाईपास पे आलीशान वाइन शॉप है, क्या माहौल ठीक है इससे? आपने क्यों नहीं पूछा इन लोगों से आज तक? क्यों नहीं पूछते? सत्ता पक्ष विपक्ष आने वाली पार्टियां क्यों नहीं पूछते आप? ये सवाल होने चाहिए आपके, बताएं भाई साहब। मेरा सवाल है, मैं युवा नौजवान हूँ, मैं तो शराबबंदी के उसमें हूँ कि हमारे प्रदेश में देवभूमि कहा जाता है, सिर्फ नाम का ही देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पे मांस भी बिक रहा है, यहाँ पे शराब भी बिक रही है, यहाँ पे बड़े बड़े जो ठेके हैं वो भी बड़े बड़े नेताओं के हैं। डंपिंग जोन की बात करी जाए, वहां से मोदी कमीशन नेताओं पे जा रही है, मेयर पे जा रही है, विधायक पे जा रही है। ये कमीशन जा रही है कि नहीं जा रही है, ये जांच का विषय, बात का विषय है। अभी आप बताएं, आपने डंपिंग जोन पे इन लोगों का कूड़े पे ध्यान गया जी, शराब पे क्यों नहीं गया? क्यों आप लोगों ने उस शराब का ठेका, जिसका 200 मीटर का दायरा था,
उसको बिल्कुल रोड पे दे रखा आप लोगों ने, क्यों? बड़ी अति सुनो यार, अति हर्ष उल्लास की बात है, आपके हर एक बात वजनदार है। मैं तो पहली बात तो बधाई देता हूँ आपको, शराब बंद का जहाँ तक मामला है तो आपने सही बोला कि सारे नेता उसमें इन्वॉल्व है, जो कि आप भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को कॉन्टेक्ट मिला है। हाँ जी, मैंने जो है पथरी बाग चौक पर ये शराब वाइन शॉप खोला था, मैंने उसका विरोध किया है। कारगी में मैंने विरोध किया, हालांकि हमारा एक आदमी राहुल पांडे है। आपने कांग्रेस ने कहा क्षेत्र में मैंने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया है। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि पास जो है वाइन शॉप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरे खिलाफ हो गए थे, वो दिन याद नहीं है। आप आपके कार्यकाल की बात कर लेता हूं, आपने विरोध किया, वो डेनी नाम सुना होगा आपने, डेनिस सुना है, वो कौन था, वो कौन कहां से आया था, वो डेनिस कौन था, ये कौन था, ये डेनिस? एक मिनट मेरी बात सुनो, वहां तुम डेनिस की बात कर दो या जेनिस की बात कर लो, यहां एक से अरे मैं आप अपनी बात करें ना, आप शराबबंदी की बात करें, डेनिस डेनिस कहां गई, उसके बारे में, उसके बारे में मेरा मतलब है मैं शराब का सख्त विरोधी हूं, मैं प्रधान रहा हूं 2 पंचवर्षीय में, मैंने शराब बंद का आह्वान किया है और मेरी मातृशक्ति ने बहुत साथ दिया है, मैं शराब के बारे में बिल्कुल। अच्छा चलिए, मैं पार्टी से सवाल था मेरा, हाँ जी, शराब शराब उत्तराखंड, उत्तराखंड को आप लोगों ने ठेके बिल्कुल ऐसे नजदीक आए, होम डिलीवरी करवा दी है, ये बोल रहे घर घर मिलेगी, भाजपा की गवर्नमेंट रहेगी। भाई साहब आप तो होम डिलीवरी करा रहे हो दिल्ली में, दिल्ली में होम डिलीवरी, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हाँ दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सोच तो दिल्ली वाली है आपकी, सोच हमारी उत्तराखंड की है, उत्तराखंड में पैदा हुए, उत्तराखंडी है हम, उत्तराखंडी है हमारी, उत्तराखंड की सोच है और हमारा खून का कतरा कतरा उत्तराखंड के लिए समर्पित है। तो उत्तराखंड का ही बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी, आप अपने, अच्छा यहाँ पर कितने लोग गढ़वाली हैं, यहाँ पर हाथ उठाएं जरा, कितने, मतलब 90% लोग गढ़वाली हैं। आपको गढ़वाली पावर बता देता हूँ, इनके उप मुख्यमंत्री के पसीने छुड़ा दिए थे नेगी जी ने, ठीक है, जीतने के लिए पसीने छुड़ा दिए थे, तो आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें, कोई भी वादा आपसे गलत नहीं कर सकता, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता, जो वादे कोई भी पार्टी, मैं चारों से बोल रहा हूँ, कोई भी किसी के, अपने सवाल जो है चारों पार्टियों से लिखें करें, पार्षद हैं आपके पास, आपके पास ये 6 महीने हैं, 6 महीने में ठोक बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे रिजाइन, बोलो रिजाइन करोगे, कोई अगर वादे पूरे नहीं हुए, हम तैयार हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे, बोल रहे हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम दोबारा वोट मांगने भी नहीं आएंगे, दोबारा नहीं, हम रिजाइन भी करेंगे, रिजाइन करोगे। एक मिनट सर, मेरा कहना सुनो, आप पहले ये बताइए, अगर वादे पूरे नहीं हो रिजाइन करोगे? हम रिजाइन करेंगे, बिल्कुल रिजाइन करोगे, हाँ जी 100%। अच्छा हाँ जी, हम तो ऐसे वादे ही नहीं करेंगे जो ना कर पाए। अच्छा चलिए, ये होता है विश्वास, यूकेडी का विश्वास, बहुत बड़ी बात, हम ऐसे कोई वादे ही नहीं करेंगे जिसे पूरे नहीं कर पाए। सवाल बहुत बोल, आम आदमी पार्टी से सवाल, भाई साहब सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी जो शराबबंदी पे तुली हुई है कि उत्तराखंड में शराबबंदी करेंगे, हाँ मेरा सवाल ये, शराबबंदी कैसे करेंगे जबकि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर जी है वो खुद शराब व्यवसायी है। अच्छा शराब व्यवसायी है, देखिए वो अपना करा, देखो बड़े बड़े पत्ता सत्ता, एक मिनट, सत्ता जो सत्ता होती है ना, इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जो यहाँ अभी तक हमारे भाई साहब हैं पूरन सिंह रावत जी पूरन सिंह रावत जी, वो कभी दिनेश अग्रवाल जी से पूछना था कि क्या नाम है, यहाँ की जो समस्या थी वो कभी नहीं सुनी गई। मेरे पास प्रूफ है, बाकायदा जो ये यहाँ से पूरा पानी जाता था, नीचे जाता था गैस गोदाम वाली गली में, ठीक है, जिस समय विधायक थे दिनेश अग्रवाल जी, मैं खुद 20 बार महिलाओं को लेके, गैस गोदाम की सारी महिलाओं को लेके उनके पास गया, ठीक है, उन्होंने नहीं सुना कभी भी। हमारे विधायक जी जब जीते मैं उनके पास गया, 7 दिन के अंदर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, जो असवाल टेंट हाउस वाली गली से ये जो पानी जाता है ऊपर पूरा आजाद बिहार से, कह रहे कि क्या नाम है, नहीं कि हम यहाँ आजाद बिहार में मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे वहां मिलाएंगे, उन्होंने तुरंत समस्या का समाधान निकाला और ये जो पानी जो भी सारे, हाँ जी चलिए काम करा रखा भाई जी, 15 दिन के अंदर उन्होंने उस समस्या का समाधान, जो लोग पानी घरों में डूब रहे थे जिस समय दिनेश अग्रवाल जी थे उस समय लोग डूब रहे थे, आज वहां जाके देख लीजिए सबके घर, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है, घर छोड़ के जा रहे थे माइक, सुनिए
अच्छा सुनिए 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 सुनिए, मेरे पास माइक है, इसमें बहुत ज्यादा तेज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये रिकॉर्ड हो रहा है सब, तो एक ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। आपने बोला कि विनोद चमोली जी को आखिरी बार आपने कब देखा? हाँ जी, हमने सर टीवी चैनल में देखा था और ऋषि विहार के लोग उनका विरोध कर रहे थे और वो वहाँ पे नाला है बहुत बड़ा, वहाँ पे नाला कवर होना है पूरा, और वो ऐसा नाला है जो पानी पूरा सड़क के ऊपर बहता हुआ है। ठीक है, अगर कोई बाइक वाला तो आप अपनी समस्याएं अपने प्रतिनिधि अपने पार्षद, लेकिन एक मिनट, अपने पार्षद सबसे पहले पार्षद है आपका। विनोद चमोली जी ने ये बोला कि मुझे नहीं चाहिए टिकट, मुझे नहीं लड़ना, बाहर में जाओ, बाहर में जाओ। चलो चलो चलो, वो उन्होंने बोला कि भाड़ में जाओ जनता को। हाँ जी आप, हाँ जी, इनका सवाल बहुत टाइम से रह रहा है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, हर कोई शहर के बारे में सोचता है, गांव के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। इतना पलायन हो रहा है पहाड़ों से, इतने लोग सिर्फ शहर में आ रहे हैं, देहरादून में आ रहे हैं, उसके बारे में ये पूछना चाहता हूँ कि पहाड़ों के बारे में क्या सोचा है लोगों ने आज तक? जी पहाड़ों के बारे में क्या सोचा है साहब आपने? सुन लो यार प्लीज जरा। हाँ जी देखो, हमारे भाई पंडित जी ने बहुत अच्छी बात रखी है कि पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए कौन सा उपाय आपने किया है हमारी सरकार के अंदर। मेरी बहन मेरी बात सुनो, मेरी बहन मेरी बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ये आपके मेरे प्रोग्राम का अंत होने का टाइम भी आ गया है। अगर आप अपने अपने नेताओं से शपथ लेवाना चाहते हो कोई, तो भैया इनसे आज ही ले लो और इनसे 6 महीने तक पूछ लेना सब लोग कि भैया तुम क्या कर रहे हो, क्या करोगे, क्या तुम्हारे 6 महीने में। जी जी हाँ जी हाँ जी जी देखो आपका जवाब था, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बहनें सुने प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है भाई बात सुनो, अरे सुनो यार, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो, आप बोलते रहो, रिकॉर्ड हो रहा है। बहने एक मात्र शक्ति की मैं अदा करता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। सवाल इस बात का है कि हम कुछ समय के लिए, मैं हमारी सरकार ने क्या काम किया है, सरकार कैसे लास्ट टाइम किस प्रकार से क्या ड्रामा हुआ आप जानते हैं। बाकायदा प्लानिंग थी, मैं भी राज्य मंत्री बनाऊं और बहुत कम समय के लिए, एक प्लानिंग के तहत हमने काम किया है, हमारे पहाड़ों से जहाँ झील झरने हैं वहाँ लिफ्ट द्वारा पानी पहुंचेगा, 12 महीने फसलें होगी, 12 महीने सब्जियां हो सकती है, वहाँ विकास योजनाएं बढ़ेगी, वहाँ इंडस्ट्री एरिया बनेगा, जड़ी बूटियां भारत सप्लाई हो रही है। अच्छा अच्छा, प्लानिंग ध्वस्त कर दी गई हमारी, हमारा सारा योजना। बस 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 बस, आप आज आप परेशान क्यों हो? एक मिनट, आप लोग परेशान क्यों हो? आप लोग परेशान इसीलिए हो कि आप अपनी बात रखना ही नहीं जानते। आप अपनी बात को रखने का तरीका बदलिए, आपकी बात सुनी जाएगी। आप अपने ऐसे हल्ला गुल्ला मचाओगे तो आप अपनी माताओं को भी परेशान कर रहे हो, बुजुर्गों को भी परेशान कर रहे हो। ऐसे कोई कोई आपकी बातें नहीं सुनेगा, आप पार्टियों में बिकते रह जाओगे। तू मेरा आदमी और सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोग मजे करेंगे। तो आप चाहते हो कि ये लोग मजे करें, तो जो करना है वो करो आप लोग। ठीक है, एनीवेज अब मेरा समय थोड़ा सा, समय और बैटरी दोनों चीजें बड़ी लिमिटेड हैं। ठीक है, प्रोग्राम चलाना भी है, मैं सभी से जनता की आवाज। हाँ जी एक मिनट शांति से सुन लीजिए, जी सुन लीजिए थोड़ा सा, सुन लीजिए। हम सत्ता पक्ष के लोग हैं, हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई माता जी मैं अगर कोई नेता नजर आया, हो सकता मैं पूरन भाई मेरा नजर आया, मेरा हिमांशु भाई नजर आया, मगर जिसकी नैतिक जिम्मेदारी थी वो कहां नजर आया, जिसने 15 साल यहां राज किया। चलिए यूपीडी भी कहां नजर आया, बिल्कुल आ जाते हैं टिकट की दौड़ पे, फिर आ जाते हैं टिकट की दौड़ पे। मेरा पूरन भाई टिकट की दौड़ पे हो, मुझे कोई एतराज नहीं, मेरा हिमांशु भाई टिकट की दौड़, मेरा भाई बड़ा भाई टिकट की दौड़ में, मुझे कोई एतराज नहीं, पर मैं उन्हें हराऊंगा जरूर। चलिए बहुत बढ़िया, जी जी जी, मैं सबसे पहले कोरोना जैसी महामारी सभी की इच्छा होगी दोबारा कभी ना आए, लेकिन मेरे भाई ने बोला कि कोरोना काल में जो है बीजेपी की पूरी सरकार सड़कों में थी, मैं नहीं बोलूंगा, ये कोरोना काल में ही जो है पूरी की पूरी कैबिनेट केंद्र की बंगाल में प्रचार पे लग गई थी, उत्तराखंड के भी वहां जा रखे थे सारे, इन्होंने कोरोना को बिल्कुल नाकार दिया था, उसी का नतीजा था जयपुर में, उसी का नतीजा था जयपुर में, उत्तराखंड में लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया गया था, राम भरोसे। चलिए 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 मैं चलिए, लोग जो है हॉस्पिटल में जाने में डर रहे थे, हॉस्पिटल में जाने में लोग डर रहे थे, अपने घर में इलाज करा रहे थे, उन्होंने कहा हॉस्पिटल में जाए कहीं हम मर ना जाए। चले चले, हो गया 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 हाँ पहली बात
मेरा निवेदन है यहाँ पे आए हुए जितने भी भाई बहन है, मेरा निवेदन है जितने भी भाई बहन है जी जी, दो मिनट मेरी बात सुने जी, पर सुनाओ 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 की बात सुनी सर, सुनाओ सुनो सुनाओ सुनाओ, थोड़ा बैठ जाओ, मैं मेरी हाइट कम हो गई आपसे। हाँ जी हाँ जी, मेरा सब आप लोगों से यही कहना है जी, अभी बात हुई कोरोना की, तो कोरोना में एक छोटी सी एनजीओ है अपना रोटी बैंक, हमारे हम लोगों ने भी जितनी सेवा कर सकती उसके बाद दो वाले से पूरे उत्तराखंड में हमने काम किया है। ठीक है, मेरा एक निवेदन है, अगर हम काम करेंगे ना तो हमने जो वादे करे हैं वो ही पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं, जो वादे किए हैं वो पूरे भी किए हैं। जब तक आप लोग चलिए मौका नहीं देंगे, मौका दीजिए, मौका इनका कहना है, इनको मौका दीजिए, ये वादा पूरा करेंगे। चलिए चलिए आप सवाल, अच्छा मैं आपके सवालों की, मैं आपके सवालों के अच्छा पूछ लिए, फटाफट पूछिए, एक छोटा पूछिए, चाहे सरकार किसी की भी आए, हाँ जी बीजेपी की आए जी या कांग्रेस की आए, किसी की भी आ सकती है, ये बताओ कि पहाड़ों के लिए क्या कर सकते हो, पहाड़ों के लिए क्या 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 सोचा आपने पहाड़ों के लिए, इनके वैसे मैं वो बोलेंगे कुछ ना कुछ, पहाड़ों में रोजगार मिले, देखो मेरी बहनों मेरी बात सुनो, रोजगार का रोजगार कैसे मिलेगा करके मैंने स्वयं कहा रोजगार कैसे मिलेगा, मेरा एक था प्रपोजल, मेरी बहनों पार्टी से हटकर की बात सोचेंगे आप, मेरी बात सुनो, हमने मद्य निषेध का मामला उठाया तो माँ बहनों के लिए उठाया, अच्छा चल चलिए चल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि विधान मेरे पास बैटरी चली जाएगी जी जी जी, विधानसभा की बात कर रहे हैं, हमारा कहना, हमारा कहना ये, देखो मेरी बात सुनो, रोजगार देखो अभी एक मेरा एक प्रस्ताव था आपने जी, क्योंकि जब वहाँ पर विधायक बनता है, प्रधान बनता है, प्रमुख बनता है, हमने सब लोगों से कह दिया हर जनपद में उत्तराखंड में जो विधायक बनता है उनसे एग्रीमेंट होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव भाजपा वर्सेज आप है, कांग्रेस इस बार कहीं भी ग्राउंड में, अरे चलिए दिल्ली में भी अच्छा मेरा मेरा पिछले दो बार से खाता भी नहीं खोल पाई कांग्रेस, अच्छा चलिए ये बात, अब मैं थोड़ा क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ, मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, आप सबका न्यूज़वर्ल्ड इंडिया पे बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, और आप लोगों को मैं भी यही गाँव को यही एक ही जगह को मैं भी अजयपुर बिटेन, ठीक है, तो समस्या मेरी भी हुई है जो तुम्हारी छन, ठीक है, ये मैं हमारो घास काटी हूँ ये जगह पर जम, हाँ ठीक है, अपनी माँ दगड़ी हम साइकिल में आए हैं और घास काटी हूँ, ठीक है, तो मैं तुम तो गड़वाई मिले बरतौन लगी हूँ कि हमारे तरीका जो बदलना पड़ लो हम तो, ठीक है, सरकार बनौन यून कभी कभी नेताओं कभी सुनी बोलू तुमने ये सभी सुनना होगा कि यून कभी ये नहीं बोली कि भाई कांग्रेस ने अच्छा काम करी बीजेपी ने, एक दूसरे की तारीफ तो कभी करी नहीं उन, अरे कब से कम अप्रिशिएट करो एक दूसरे को दोस्तों, अगर मनरेगा आपकी अच्छी योजना थी तो आप उससे लाभित कर रहे हैं लोगों को, अप्रिशिएट करो, आप कभी एक दूसरे नेताओं को आरोप 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 से काम नहीं चलेगा, अगर इन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो आप इनका हाथ पकड़ के बोलिए इस योजना में मैं आपके साथ हूँ, आप इनके साथ कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी परफेक्ट होता है, कोई सरकारें परफेक्ट होती हैं, परफेक्ट होते हैं लोग, और लोग अगर अपने बोलने का तरीका सही रखें, अपने घर के बाहर एक पर्चा चिपका दें आम आदमी पार्टी, ये मेरे क्वेश्चन है, विल यू डू दिस, ठीक है, या आप इसे पूरा करोगे तो भैया आओ वोट ले जाओ, पर आप लोगों को, आप लोग इन सबके जो ये मेरे युवा भाई जितने हल्ला गुल्ला, इन सबका जो फायदा मिल रहा है ना भाइयों मेरे, इनको मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सबसे पहले बोलता हूँ, मैं हर जगह बोलता हूँ, पार्टी से पहले देश है, देश सबसे पहले, अपने देश के बारे में सोचें, तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने अपने धर्मपुर विधानसभा का अपने मुद्दे उठाते रहिए, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से मास्क पहन के रखिए, नीचे मत लगाइए ऊपर लगाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का, सत्ता पक्ष से भी बात होगी, विपक्ष से भी बात होगी, हमारी सरकार की बात है, देश और प्रदेश की हालत क्या है, आम आदमी को बिजली मुफ्त मिलना क्या बुरी बात, 5,000 रुपए भी देंगे, लेकिन जो इनका नेता है वो ढंग का नहीं, वादे जो आपके वहाँ दिल्ली में हुए वो भी पूरे नहीं हुए, जो विधायक का विरोध कर रहे हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं अगर उन्होंने 5 साल काम किया, जब से बीजेपी की सरकार यहाँ पे आई उस टाइम से बहुत अच्छा काम चल रहा है, समस्या को सुनते भी हैं उसका निदान भी करते हैं।